हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों से पूछा जा चुका है। ये सारे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जर्नल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे साथ जर्नल से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा मैं आप लोगों को आज एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आई अश्योर यू डैट। तो आप लोग प्लीज़ जा करके वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम इन वन वीडियो है, जिसमें कि सारा कुछ वहाँ पे कवर हो चुका है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर किसी भी तरह के पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था, डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो मैं वीडियो करवाई थी, तो उसमें ये आप लोगों को मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका क्या होगा राइट आंसर और कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। अ ट्रेडर डज नॉट कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो ट्रेडर है वो पूरी तरह से बुक को कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ वो क्या किया है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से है जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए वो जानते हैं। ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 June 2004 विच ₹10,000। ही मेड विड्रॉल्स एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 6 months during the year for the capital of ₹2,000 was invested. His total assets as on 31st December 2004 were ₹23,700. His creditors were ₹3,000 on the same date and unpaid expenses were ₹500. Then his net profit would be 11,200, 11,500, 13,000 या 14,200. तो क्या होगा इसका net profit चलिए calculate करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, ₹10,000, ये हम लोगों के पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। फिर हम लोगों के पास क्या दिया गया है, ड्राइंग्स दिया गया है, यानी कि जो विड्रॉवल्स हुआ था। तो ड्राइंग कितना है, 500 है पर मंथ 6 months के लिए। तो 500 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो कि आएगा हम लोग के पास 7,000 rupees। ठीक है, फिर क्या था, एडिशनल कैपिटल था 2,000 rupees का, तो प्लस कर देंगे जो भी हम लोगों के पास एडिशनल कैपिटल था उसको। तो एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 7 × 9,000। ठीक है, तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, 9,000 है, मैं आप लोगों को यहाँ पे है 9,000 हम लोग के पास निकल के आया हुआ। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास क्या गिवन है। हम लोगों के पास गिवन है क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर्स हम लोग के पास है 3,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अनपेड एक्सपेंसेस है 500। तो क्या हो जाएगा, 3,500। और टोटल एसेट्स हम लोगों के पास गिवन है 23,700 का हम लोग के पास टोटल एसेट्स गिवन है। तो जो हम लोग के पास 9,000 निकला था और 3,500, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने से हम लोग के पास आएगा 12,500। और जो हम लोग के पास एसेट्स था वो था 23,700। तो ये दोनों को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा 11,200, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ओपनिंग में ड्राइंग्स को माइनस करना है जो कि 500 × 6 हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, एडिशनल कैपिटल जो है उसको ऐड करना है, जो कि आप लोग का निकल के आ जाएगा 9,000 rupees। फिर आप लोगों को लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है, जो कि क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हो जाएगा आपका 3,500। ये है, सॉरी, ये 3,000 और ये है 500, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा आपका
3500 और एसेट्स आप लोगों के पास दिया हुआ 23500, ठीक है। एसेट्स है 23500 और लाइबिलिटी यहाँ पे 3500 और यहाँ पे है 9000, तो हो जाएगा 12500, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से आप लोगों के पास आ जाएगा, सॉरी 12500, ठीक है, यहाँ पे 23700 होगा, तो इसका निकल के आ जाएगा 11200, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर इतना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है जनरल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो जनरल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आपका जनरल से रिलेटेड जो भी डाउट होगा सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस या फिर पीरियोडिक बेसिस। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है आप लोगों को वो बताना है। ईयरली बेसिस पे किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है, डेली बेसिस पे किया जाता है या फिर पीरियोडिक बेसिस पे किया जाता है। किस बेसिस में जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो जर्नल में हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में हम लोग कब लिखते हैं? साल में एक बार में लिखते हैं या फिर मंथली हम लोग लिखते हैं या फिर डेली बेसिस पे लिखते हैं या पीरियोडिक बेसिस पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेली बेसिस। तो हम लोग जर्नल जो है वो क्या होता है, जर्नल जो है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन, फिर आप लोगों को चार ऑप्शन दे देगा, क्रोनोलॉजिकल बेसिस, एनालिटिकल बेसिस, सेलेक्टिव बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस है, कुछ भी आप लोगों को ऑप्शन दे देगा। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जर्नल में ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, जिससे क्या होता है कि लेजर और ट्रायल बैलेंस को बनाने में ईजी होता है। क्यों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों लिखा जाता है? ताकि लेजर और ट्रायल बैलेंस को बनाने में क्या हो, ईजी हो। क्लियर है? तो जर्नल में ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे लिखा जाता है, जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे लिखा जाता है। क्लियर है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होता है, जैसे जैसे कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी ऑर्डर टेक प्लेस होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है उस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक तारीख को हम लोग क्या किए, मशीनरी परचेज किए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तारीख वाला लिखेंगे। फिर 5 तारीख को क्या किए, ड्राइंग्स किए, तो फिर हम लोग 5 तारीख को ड्राइंग्स किए वो लिखेंगे। मतलब जैसे जैसे जो जो चीज़ हुआ है उसको ऑर्डरली हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लिखते जाएंगे। क्लियर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेली बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, नो इंटरेस्ट मेड, रिटन एज अ नोट। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, जो कैश डिस्काउंट रिसीव किया जाता है, उसको हम लोग 3 कॉलम कैश बुक में किस साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, या फिर लिखते ही नहीं हैं, या फिर एक नोट की तरह हम लोग उसको लिख देते हैं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? A cash discount received is entered on the 3 column cash book on, तो ये लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। जो 3 column कैश बुक होता है उसमें क्या होता है, 3 जो है कॉलम्स होते हैं, 3 अमाउंट के कॉलम्स होते हैं दोनों साइड में। तो क्या क्या चीज़ का होता है, कैश का होता है, बैंक का होता है, और क्या होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है, और ये तीनों जो है वो दोनों साइड में ही होते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी होते हैं। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, जो जो कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ पे होता है, वो डेबिट साइड में होता है। कैश डिस्काउंट जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड होता है वो होता है डेबिट साइड में, और जो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है वो होता है क्रेडिट साइड में। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं सी से क्रेडिट, या तो फिर आप लोगों को मालूम भी होगा, तो कैश डिस्काउंट अगर प्रोवाइड किया जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और कैश डिस्काउंट रिसीव किया जाता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्रीज इन कैश बुक इज मेड व्हेन, पीटी कैश बुक इज मेंटेन, सिंपल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन, या ऑल ऑफ द अबव।
तो जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होता है कैश बुक का, वो कब बनाया जाता है, वो कब बनता है? जब पीटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है उस टाइम पे, जब सिंपल सा हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे, जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन होता है उस टाइम, या फिर सभी के समय, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉन्ट्रा एंट्रीज इन कैश बुक आर मेड व्हेन, तो ये तब होता है जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है उसको क्या कर रहा है, बैंक का अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों भी इन्वॉल्व हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि ऐसा कोई भी एंट्री जो कि आपके कैश और बैंक दोनों अकाउंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा का लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ऑपोजिट। तो जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं कैश बुक में, वो कहाँ होते हैं? वो कब होते हैं? जब दो कॉलम होता है कैश बुक का, जिसमें कैश और बैंक कॉलम होता है, या तो फिर ट्रिपल कॉलम होता है कैश बुक का, जब मेंटेन किया जाता है उस समय भी किया जाता है। और ये क्या करता है? दोनों साइड्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करके रखता है सेम टाइम में। क्लियर है? तो इन शॉर्ट आप लोग ये समझ लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, जब कैश या बैंक के जो ट्रांजैक्शंस है, बैंक अकाउंट है, वो क्या होता है, एक ही समय में वो एक एंट्री से क्या होता है, दोनों चीज़ ही अफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्ट्रा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट। और ये तब प्रिपेयर किया जाता है जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को मेंटेन करना हो, तभी कॉन्ट्रा एंट्रीज कैश बुक में होता है। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, करंट लायबिलिटी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है जो कि क्या है, ड्यू है लेकिन वो पेड नहीं हुआ है। क्या है वो? ड्यू तो है लेकिन वो पेड नहीं हुआ है। तो एक्सपेंस कब आउटस्टैंडिंग बनता है? जब कंपनी जो है उसका बेनिफिट ले लेती है। क्या करती है? उसका जो बेनिफिट है वो ले लेती है, पर जो उससे रिलेटेड पेमेंट है वो नहीं हुआ हुआ रहता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो किस में आएगा? तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटी में, जिसको कि एक साल के अंदर अंदर क्या करना है, पे करना ही करना होगा, क्योंकि कंपनी जो है उसका बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी ले चुकी है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। मतलब कि अमाउंट जो है वो ड्यू है, पेड नहीं किया गया है। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, वो एक तरह का क्या है, एक्सपेंस ही है जो कि अभी तक पेड नहीं हुआ है। वो क्या है? अभी तक ड्यू ही है। तो जो कोई भी तरह का जो एक्सपेंस होता है वो कब आउटस्टैंडिंग होता है? वो आउटस्टैंडिंग तब ही होता है जब क्या हो कि हम लोग को उसका जो मिलने वाला बेनिफिट है, वो बेनिफिट तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन उसको पेमेंट अभी तक नहीं हुआ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री? लेजर, कैश बुक, सेल्स बुक या बिल्स पेबल बुक। तो इसमें से कौन सा जो है वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री नहीं होता है? लेजर, कैश बुक, सेल्स बुक या बिल्स पेबल बुक। कौन सा ऐसा बुक है जो प्राइमरी एंट्री नहीं होता है, जिसमें जो वो होगा हमारा लेजर। तो लेजर जो है वो प्राइमरी एंट्री नहीं है, इज़ नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जबकि लेजर जो है वो एक ऐसा बुक होता है जहाँ पे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जहाँ पे क्लासिफाइड होता है और समराइज्ड होता है इंफॉर्मेशन का जर्नल से, जो कि पोस्टेड होते हैं एज डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। प्राइमरी बुक में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी बुक में आता है हमारा सेल्स बुक, कैश बुक, बिल्स पेबल, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे जो है वो सारे आ जाएंगे बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में। प्राइमरी बुक में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, बट लेजर जो है, लेजर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लासिफाइड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो होता है, जो कि जर्नल में क्या होता है,
पोस्टेड रहता है डेबिट और क्रेडिट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट रिलेटेड टू रियल अकाउंट, रिलेट्स टू रॉ मटेरियल, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक आइटम को हम लोग कब मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं, जब वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो तब, या जब वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो तब, या तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो यूजर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द यूज़र। एक आइटम को हम लोग मटेरियल तभी कंसिडर करेंगे जब वो यूज़र्स के लिए सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ऐसा आइटम जो कि किसी भी यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है वो क्या होगा, मीनिंगफुल कोई हालत में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे आइटम का क्या फ़ायदा जब किसी यूज़र के लिए वो यूज़फुल ही ना हो। ऐसा आइटम अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च हो रहा है और किसी को भी उस प्रोडक्ट का नीड ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा होता है, वो एक तरह से क्या है, पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मीनिंगफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आइटम है या जो भी आइटम है वो क्या हो, सिग्निफिकेंट हो यूज़र्स के लिए, यूज़र के लिए इम्पोर्टेंस रखता हो, तभी उसको हम लोग एज अ मटेरियल कंसिडर कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कस्टमर चेक रिटर्न आफ्टर बीइंग डिसऑनर्ड विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 3 कॉलम कैश बुक, या जर्नल प्रॉपर। तो कस्टमर का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है, उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, 3 कॉलम कैश बुक में, या फिर जर्नल प्रॉपर में। अ कस्टमर चेक रिटर्न आफ्टर बीइंग डिसऑनर्ड विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 3 कॉलम कैश बुक, या फिर जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड क्या क्या चीज़ों को करता है, तो वो ऐसे चीज़ों को या ऐसे एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करता है जो कि किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड ना किया गया हो, जिसका कोई भी रिकॉर्ड ना हो किसी भी सब्सिडरी बुक में, ऐसी चीज़ों को ही वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, जैसे कि परचेज बुक है, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज या सेल्स रिटर्न बुक। तो ये सारे जो सब्सिडरी बुक्स हैं वहाँ पे इन सब किसी भी ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड नहीं है वही हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डेड है तो हम लोग उसको जर्नल प्रॉपर में नहीं लिखते हैं, नहीं एंट्रीज़ को पास करते हैं, नहीं एंट्री को रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग सब्सिडरी बुक में नहीं लिखते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर जर्नल प्रॉपर में हम लोग किन किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या किन किन एंट्रीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो जितने भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या होता है नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। थर्ड होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फोर्थ होता है डिसऑनर का जो एंट्रीज होता है, जो कि हम लोग के पास क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जब भी कोई बैंक में क्या होता है, डिसऑनर होता है, डिसऑनर एंट्रीज ऑफ बैंक। तो इसको भी हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसको भी हम लोग लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो ये तरह के चीज़ों को हम लोग कहाँ पे लेकर के रखते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि जर्नल प्रॉपर में क्या क्या चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो कि सब्सिडरी बुक में जिनका रिकॉर्ड नहीं होता है, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिसऑनर्ड एंट्री ऑफ बैंक। ये सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परचेज इन वॉइस ऑफ 1250 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 1520 इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या कॉम्पनसेंट्री एरर। तो जो एंट्री होना था परचेज इन वॉइस का वो कितना का था, 1250 का।
पर वो एंट्री कितना का हो गया, 1520 का, मतलब 542 क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या फिर कॉम्पेंसेंट्री एरर। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। मतलब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो गया है, या तो रॉन्ग अकाउंट में चला गया, ठीक है, क्या हो गया, रॉन्ग अकाउंट में चला गया है, या तो फिर रॉन्ग साइड में लिखा गया हो, या तो फिर रॉन्ग बैलेंस चढ़ गया हो, तो उस तरह के जितने भी एरर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो गया हो पहला, या तो फिर रॉन्ग साइड में पोस्ट हो गया हो, या फिर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया हो। अगर इन तीनों में से किसी भी एक तरह का रॉन्ग पोस्टेड हो, चाहे अकाउंट से हो, चाहे साइड हो, चाहे रॉन्ग अमाउंट हो, तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एरर ऑफ कमीशन कब होगा, जब हम लोग रॉन्ग अकाउंट में किसी चीज़ को पोस्ट कर देंगे, या फिर रॉन्ग साइड में पोस्ट कर देंगे, या फिर रॉन्ग अमाउंट को पोस्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, एरर ऑफ कमीशन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल, सुमेशन, रॉन्ग अकाउंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, दिस इज एन एरर ऑफ। तो वेजेस जो हम लोग पेड किए थे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन में, उसको हम लोग डेबिट कर दिए वेजेस अकाउंट में। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को वो बताना है। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लियर है। तो जो वेजेस पे होता है, किस में हम लोग को जाना था, अगर मान लीजिए कि न्यू मशीनरी जैसे यहाँ पे परचेज हुआ, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, ना कि वेजेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन मान लीजिए कि ये अकर हुआ है, क्यों, अच्छा ये एरर क्यों हुआ है, तो ये हुआ है अकाउंटेंट का इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की वजह से, इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स कोर प्रिंसिपल की वजह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता, मशीनरी अकाउंट होता डेबिट, ना कि वेजेस अकाउंट डेबिट होता, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बोला गया है कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, जबकि होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये क्या है, होना चाहिए था, पर हो क्या गया है, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो इस चीज़ से आप लोग यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर रॉन्ग अमाउंट को, रॉन्ग चीज़ को डेबिट किया गया हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को डेबिट करना था वो हम लोग डेबिट नहीं किए, बल्कि हम लोग दूसरा किसी चीज़ को डेबिट कर दिए हैं, क्लियर है। मतलब रॉन्ग अमाउंट यहाँ पे नहीं जा रहा है, ना ही रॉन्ग अकाउंट है, ना रॉन्ग साइड है, ना ही रॉन्ग बैलेंस है, यहाँ पे हम लोग कुछ और ही लिख दिए हैं। क्या किए हैं, मशीनरी लिखना था, लेकिन हम लोग वेजेस ही लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको आगे पीछे करके लिखे हैं, तो ये तो चीज़ यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक तरह से नाम ही चेंज कर दिए हैं, तो चेंज इन नेम, ठीक है, आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं, चेंज इन नेम अगर है तब वो क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ये चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रॉन्ग साइड अमाउंट या अकाउंट, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। यही चेंज इन नेम है, चेंज इन नेम, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब डेबिट कुछ और करना था, हम लोग कुछ और को क्या कर दिए, डेबिट करके आ गए, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर मशीनरी अकाउंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू,
तो नया मशीनरी का जो भी इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है उसको हम लोग कहाँ पे डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर मशीनरी अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनरी अकाउंट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगा, इसका जर्नल एंट्री पास होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जाएगा इसका एंट्री, ठीक है। तो जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होता है नए मशीनरी का, वहाँ पे क्या होता है मशीनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए अब है बारी होमवर्क क्वेश्चन की, तो देखते हैं आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन क्या है। एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹3,000 वॉज एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000 विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, बैलेंस ऑफ 2,000 वुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट या बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना है 3,000 का, जो कि क्या हुआ एक्सेप्ट किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000, 5,000 का स्टॉक था, उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला 3,000 मिला, जो कि क्या हुआ था फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था। बैलेंस जो है 2,000 का वो हम लोग कहाँ पर डेबिट करके दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में या फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।